Assalamu alaikum students, I hope you are all safe and sound at your homes. Students, today we are going to learn our unit number 4, Unforgettable Moments of My Life, Meri Zindagi Ke Na Kaabile Faramosh Lamhat. In this chapter, we are going to learn vocabulary of our text from pictures and titles, incentive reading strategies, diphthongs, practice items, simple 2-3 syllable words, masculine, feminine, neuter, capitalization and initial letters. Let's start the lesson. Students, look at these two pictures. पहली picture जो है वो ये show करी है कि जो ये जो trees हैं वो animals को एक home दे रहे हैं, यानी कि उनका एक घर है. और जो second picture वो ये show करी है कि trees जो हैं वो इंसानों को oxygen फराहम करते हैं. पहली picture में animals के लिए benefit है और दूसरी picture में इंसानों के लिए. इसके अलावा ट्रीज जो है वो हमारे माहौल का, हमारी एयर पोल्यूशन को रिड्यूस भी करते हैं. दूसरी पिक्चर में कुछ पीपल जो हैं वो इन ट्रीज को काट रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज. व्हाट डू यू हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ट्रीज इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में दरख्त ना होते तो क्या होता. हैव यू एवर प्लांटेड अ सीडलिंग और कन्विंस्ड एनीवन टू हेल्प यू प्लांट वन, कि आपने कभी कोई दरख्त है जो है वो लगाया है या किसी को मदद के लिए कहा है. व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों को जो लोग काटते हैं उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है क्लास, इन क्वेश्चन की आपने ओरली आंसर करना है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में राइटर जो है वो अपने फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है, उनके फार्म हाउस पर जाता है. ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं फार्म हाउस को देखने के लिए, लेकिन जब वो उस फार्म हाउस पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जो फार्म हाउस है, वो जो हवेली है, वो अपनी सही हालत में नहीं होती, क्योंकि उसका जो गार्डनर था जो उसकी देखभाल करता था, वो इलनेस की वजह से उसका इंतकाल हो गया था. फिर राइटर ने डिसाइड किया कि अब अपने फादर, ब्रदर और सिस्टर के साथ मिलकर उस गार्डन की दोबारा से अच्छी हालत में उसको लेकर आएगा, उसकी हिफाजत करेगा, और वो उसने ऐसा किया भी. फिर वो वहाँ पर जब दोबारा सवात में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने जिप लाइन्स को भी इंजॉय किया, लेकिन वो एक दूसरे से इस चीज़ को एक्सपीरियंस, यानी कि इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करते हैं. आपने भी इस लेसन के अच्छे से रीडिंग करने हैं. चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के ना काबिले फरामोश लम्हात. आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन सवात 2 years अगो. मैं 2 साल पहले सवात में अपने अबाओ जदाद से मिलने गया था. This year during summer vacation, इस साल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, my father again took us to visit them. मेरे वालदैन जो है वो मुझे दोबारा वहाँ पर ले गए. My family and I were very excited about this visit because my grandparents farmhouse was quite a marvel. मेरी फैमिली और मैं जो हम बहुत ज़्यादा पुरजोश थे इस हवेली को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मार्वल, यानी कि ताज्जुब देने वाली थी. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, इसकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया उनके मीनिंग्स अपनी बुक पर राइट करने हैं. इस पेज पर भी कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, आपने उनके भी अंडरलाइन करके लिखना है. वाइल्ड रीडिंग में है, वाई वॉज द राइटर शॉक टू सी द फार्म हाउस. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स. Can you tell any two names of the can you tell the names of two places you have visited in Pakistan? Student, zip line जो होती है, जिस तरह यहाँ पर एक बच्ची जो है वो इन वायर्स के थ्रू एक चीज़ के साथ बंधी होकर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करी, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जिप लाइन कहते हैं. ठीक है, ये भी एक किस्म की बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, इंजॉय करने के लिए काबिल होती है. नेक्स्ट है हमारे पास, अ डिपथोंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वॉल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल. द साउंड बिगिंस विद वन वॉल एंड मूव्स टूवर्ड्स अनदर, फॉर एग्जांपल सॉइल, प्लान और काउ. जहाँ पे ओ आई ए आई और ओ डब्ल्यू जो है वो हमारे पास वॉल की साउंड्स हैं जो हमें डिपथोंग दे रहे हैं. डिपथोंग क्या होता है, 2 letters का combination होता है जो हमें एक sound देता है. ठीक है class, read the given sentences and pronounce the diphthongs. अब यहाँ पे मैं ये हमारे पास sentences दिए गए हैं, इसमें मैंने कुछ words को underline किया जो कि हमारे पास diphthongs की examples हैं. In August I am going to Hunza with my family. Hunza जो है वो एक visiting valley है. ठीक है class, अब यहाँ पे अगस्त में ए जो है जब वो मिलकर एक हमें आवाज़ देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डिपथोंग कहेंगे. डिपथोंग जो है वो हमारे पास 2 letters का, 2 vowel letters का combination होता है.
रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल फाइव वर्ड्स विद डिप्थोंग्स मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब हमने लेसन में से फाइव वर्ड्स को सर्कल करना है और उनमें से सेंटेंसेस मेक करने हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस पेज पे टीचर ने फाइव वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, फार्म हाउस, एक्सप्लेन्ड, रिक्वायर्ड, लाउड एंड न्यू। अब इनसे हम सेंटेंसेस मेक करेंगे। स्टूडेंट जैसे टीचर ने पेज रेडी किया है, आप भी एज इट इज अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे और इनसे सेंटेंसेस मेक करेंगे। यहाँ पे वर्ड्स मैंने जो लिखे हैं उसके नीचे जो डिप्थोंग को मैंने अंडरलाइन किया है वह आपने भी अंडरलाइन करना है। फार्म हाउस, माई फार्म हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल, एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन अ स्टोरी इन द क्लास, रिक्वायर्ड, प्लांट्स रिक्वायर्ड सनलाइट टू ग्रो, लाउड, लाउड म्यूजिक इज अ काइंड ऑफ नॉइस पोल्यूशन, न्यू, वी बाउट अ न्यू कार। आपने इन्हें अच्छे से याद भी करना है, लिखना भी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास डायलॉग है। डायलॉग को हम कहते हैं मुकालमा, दो लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है इसे हम मुकालमा कहते हैं। यहाँ पे डायलॉग दिया गया है मिस राबिया और टीना के बारे में। आपने भी इस तरह के डायलॉग की प्रैक्टिस जो है वो घर पे करनी है अपने फादर, ब्रदर या मदर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। पेज रेडी अच्छे से करके आपने इस क्वेश्चन के आंसर्स को अपनी कॉपी पर राइट करना है। फर्स्ट है व्हाट हैपन टू द ग्रैंड फादर्स फार्म हाउस, देयर वॉज नथिंग बट बर्नड येलो ग्रास विद बुशेज एवरीवेयर, द टॉल डेंस ट्रीज हैड विल्टेड। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस विद द हेल्प ऑफ हिज फादर मदर विद द हेल्प ऑफ हिज फादर ब्रदर एंड सिस्टर। थर्ड है हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग्स, वी कैन रिस्टोर अ गार्डन इन आवर सराउंडिंग बाई केयरिंग एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज। नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द पिक्चर एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजिशन एंड डायरेक्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई और उसके मुताबिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। अब इनको मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये हमारे पास पोजिशन या डायरेक्शन वर्ड्स हैं। पोजिशन और डायरेक्शन वर्ड्स को दूसरे अल्फाज में प्रपोजिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट द फाइव सेंटेंसेस अबाउट इट इज यूजिंग द पोजिशन वर्ड्स अबव। ठीक है, अब ये पिक्चर दी गई है उनके मुताबिक हमने पोजिशन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए फाइव सेंटेंसेस राइट करने हैं। स्टूडेंट जैसे टीचर ने यहाँ पे कॉपी का पेज रेडी करने के बाद उस पिक्चर को देखते हुए फाइव सेंटेंसेस राइट किए हैं और उन पोजिशन वर्ड्स को अंडरलाइन किए हैं। आपने भी एज इट इज इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास राइट सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं इनके मुताबिक हमने सेंटेंसेस राइट करने हैं। He is a boy, he is watering a plant, he is a gardener, he is planting new seeds. Next activity हमारे पास read the lesson again and fill in the blanks with correct option. आपने lesson को अच्छे से पढ़ने के बाद इस activity को as it is अपनी copy पे अपनी book पे solve करना है। Next में आ जाती है analytical reading. Analytical reading में आपने क्या करना है, find and read information about any two famous hill stations of Pakistan on the internet and write their comparison in your notebook. स्टूडेंट जैसे टीचर ने यहाँ पे अच्छे से राइट किया हो ना पेज रेडी करने के बाद, इसी तरह आपने भी नेट से दो वैलीज के बारे में यानी कि दो हिल स्टेशन के बारे में सर्च करने के बाद पेज पे लाइन लगाकर उनका कंपैरिजन करना है। ठीक है क्लास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड प्रैक्टिस देम इन योर कन्वर्सेशन। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स हैं, आपने इनके प्रैक्टिस जो है वो अपनी कन्वर्सेशन यानी कि गुफ्तगू में ज़रूर करनी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होते हैं, एंड एनाग्राम इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय द रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ एन अदर वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया होता है, उसी के लेटर्स को हम जब रीअरेंज करते हैं यानी कि आगे पीछे करके लिखते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। इसका अलग मीनिंग होता है और इसका अलग मीनिंग होता है, यानी नेस्ट घोंसला, सेंट भेजना, टेंस जो मैथ में वैल्यू होती है टेंस की, ठीक है, फ्लो, फाउल और वुल्फ। इसी तरह यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन्हें उनसे उन्होंने हमें कहा है कि आपने इन्हीं के लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए एक नया वर्ड बनाना, जैसे केयर, रेस। ठीक है क्लास, आपने इस एक्टिविटी को एज इट इज अपनी बुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कम्प्लीट द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से कुछ लेटर्स मिसिंग है तो आपने उनको फिल करना है। ठीक है क्लास। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है जेंडर नाउन्स। मैस्कुलाइन नाउन्स आर यूज्ड फॉर मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स, फेमिनाइन नाउन्स आर यूज्ड फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स, न्यूट्रल नाउन्स आर यूज्ड फॉर नीदर अ मेल नोर अ फीमेल। मैस्कुलाइन
बॉयज फैमिली के लिए, फेमिनाइन गर्ल्स फैमिली के लिए, और न्यूट्रल जो होता है वो ना वो मेल होते हैं ना वो फीमेल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे रीड द फॉलोइंग, यूज द जेंडर नाउन्स. यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए मैंने और जो हमारे पास नाउन्स थे उन्हें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. क्लासीफाई द गिवन जेंडर नाउन्स एंड राइट दैम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिन्हें हमने उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखना है. आपने भी इस एक्टिविटी को एज इट इज अपनी बुक पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस देयर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तौकीर प्लांटेड अ प्लांट, तौकीर सब्जेक्ट है, प्लांटेड वर्ब है, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ट्री. अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. सेंटेंसेस कैन समटाइम्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कुछ सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट सम बॉडी और समथिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन. वर्ब शोज एन एक्शन इन डायरेक्शन. इनडायरेक्ट वर्ब होता है अ नाउन और प्रोनाउन फॉर होम द एक्शन इज डन. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हु एवर और वट एवर रिसीव्स एन एक्शन डायरेक्टली. जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है या डन करता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये उसका फार्मूला है. और यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रक्चर विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट का फार्मूला. आपने इन फार्मूले को अच्छे से याद रखना है. राइट 5 सेंटेंसेस विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन योर नोटबुक. स्टूडेंट, जैसे टीचर ने यहाँ पे पेज रेडी करने के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से सेंटेंसेस मेक किए और उन्हें डिस्क्राइब किए हैं, आपने भी एज इट इज अपनी कॉपी पे एक्टिविटी को सॉल्व करना है. नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइजेशन. द नेम्स ऑफ बुक स्टोरीज, द नेम्स ऑफ स्टोरीज एंड बुक्स आर प्रॉपर नाउन्स, दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स. जो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं उन्हें हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. अब यहाँ पे है रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक. ये हमारे पास सेंटेंसेज दिए गए हैं जिन्हें हमने दोबारा लिखने के बाद इनके करेक्ट जो लेटर स्मॉल दिए गए हैं, किसी भी चीज का नाम है या प्रॉपर नाउन है, उन्हें हमने कैपिटल वर्ड में चेंज करना है. स्टूडेंट्स, कॉपी का पेज अच्छे से रेडी करने के बाद आपने भी इस एक्टिविटी को एज इट इज अपनी बुक पे सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ का एल छोटा था ना, तो हमने उसको जब रीअरेंज किया या रीड राइट किया तो हमने उसको एल को कैपिटल कर दिया, क्योंकि ये एक बुक का नेम है. इसी तरह आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है. नेक्स्ट है हमारे पास मेक 3 सेंटेंसेज यूजिंग द नेम्स ऑफ द स्टोरीज एंड बुक्स इन योर नोटबुक, रिमेंबर टू कैपिटलाइज प्रॉपरली. स्टूडेंट्स, आपने भी कॉपी का पेज अच्छे से रेडी करने के बाद 3 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें किसी भी स्टोरी का नेम हो या किसी भी स्टोरी बुक का नेम हो, ठीक है. उसमें आपने कैपिटलाइजेशन का जरूर ख्याल रखना है. नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच बबल्स. स्पीच बबल्स टेल अस अबाउट थॉट्स और वर्ड्स ऑफ अ करेक्टर. स्पीच बबल्स हमें किसी भी किरदार के जो वो सोच रहा है उसके बारे में हमें बताते हैं. फर्स्ट पे है रीड द गिवन डायलॉग इन स्पीच बबल्स. यहाँ पे 2 करेक्टर्स दिए गए हैं, स्पीच बबल्स बनाए गए हैं, वो दोनों आपस में बात करें. अस्सलामुअलैकुम ग्रैंडफादर. वालेकुम अस्सलाम. कैन आई गेट सम रेड रोजेस फ्रॉम योर गार्डन? यस यू कैन टेक. थैंक यू ग्रैंडफादर, वेलकम डियर. अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है, ये ब्लैंक थे तो मैंने इनकी थॉट्स को अपने से यहाँ पे लिखा हुआ है. आपने भी इस एक्टिविटी को अपनी बुक पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट ऑफ ट्रीज का पैराग्राफ. जो मैंने आपको स्टूडेंट्स ऐसे करवाया था वो आपने अच्छे से याद करना है और रफ कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस करनी है. क्रिएट क्रिएटिव राइटिंग में हमारे पास है इमेजिन यू आर एक्सपीरियंसिंग जिप लाइंस, राइट फ्यू फीलिंग्स अबाउट इट. स्टूडेंट, जैसे टीचर ने यहाँ पे पेज रेडी करने के बाद जिप लाइन के बारे में एक पैराग्राफ अपनी थॉट्स यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपने भी अपनी कॉपी पे इसको शेयर करना है. आई होप स्टूडेंट्स के आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी. आपने इसकी तमाम एक्टिविटीज़ को अच्छे से सॉल्व करके याद करके अपनी बुक्स और कॉपीज पे सॉल्व करना है. अल्लाह हाफिज़.